नमस्कार सभी को, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर कविता नुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी साहित्य की लाइव कक्षाओं में। आप सभी का स्वागत है और आज के इस सेशन में आप सभी देख पा रहे हैं कि हम करने जा रहे हैं यूनिट वन का कॉन्सेप्ट, यानी कि आपकी हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की। जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से जो है वो हिंदी भाषा का विकास आगे बढ़ता है, कहाँ से हिंदी भाषा के साहित्य की शुरुआत माननी चाहिए, जो हमारी सेकेंड यूनिट होती है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें कौन सी प्रथम रचना है, कौन सी द्वितीय रचना है, हिंदी की कौन सी अपभ्रंश की कौन सी अवहट का क्या स्वरूप है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं आपकी यूनिट वन के अंतर्गत। तो मैं आज आप सभी को यूनिट वन जो है वो कंप्लीटली समझाने वाली हूँ और कल के सेशन में इससे संबंधित आपके भाषा के प्रश्न रहेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंटली आपको सारी चीजें जो है इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपने हिंदी भाषा के इस उद्भव और विकास वाली यूनिट को। सबसे पहले तो उसके लिए आप सभी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो कर दीजिए भाई। आप ही का हिंदी का सेशन है और इसके जो टाइमिंग्स है क्लासेस की वो आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका टेलीग्राम का ग्रुप है, जैसे आप ज्वाइन कर लें और इसे स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसे आप सर्च करके भी, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जिसके माध्यम से आप इसे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करें अगर हम, तो हिंदी की सबसे पहले बात करते हैं, हिंदी की ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। ऐतिहासिक अर्थात इतिहास से हिंदी का कहां से क्या संपर्क रहा है, तो उस पृष्ठभूमि के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। उस पृष्ठभूमि को हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य की या हिंदी भाषा की। जब हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो भारत में मोटे तौर पर दो परिवारों की भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। कौन कौन से परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं? उत्तर भारत में आप देखेंगे भारोपीय परिवार की भाषा अधिक स्वरूप में बोली जाती है और दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। तो द्रविड़ परिवार की भाषाओं में तो आपकी जो आ जाएंगी, आपकी तमिल, तेलुगु, मलयालम, आपकी कन्नड़, ये वाली भाषाएं आ जाएंगी। और जो आर्य भाषाएं हैं, तो हमें जो अध्ययन करना है वो भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन करना है। भारतीय आर्य भाषाएं जो है वो आपकी इसके अंतर्गत आएंगी। भारतीय आर्य भाषाओं का जब हम अध्ययन करते हैं, इनको हम पढ़ते हैं, तो हमें इनके तीन प्रारूप जो है वो इसमें हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। तीन प्रारूप जो है वो भारतीय आर्य भाषाओं के हमें इसके अंतर्गत देखने होते हैं। अब भारतीय आर्य भाषाओं के जब हम प्रारूप जो है वो जब देखेंगे तो हमारे सामने आता है सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और जब दूसरा स्वरूप पढ़ते हैं तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और तीसरा हम पढ़ते हैं तो आधुनिक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब ये जो स्वरूप आपको बताया कि भाई प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसको हम समय के अनुरूप देखते हैं, ठीक है। समय के अनुरूप कि जो ये प्राचीन भारतीय, ये ईसा पूर्व, ठीक है, कि किस समय पर प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी, तो यहां पर आप देखेंगे 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व, ठीक है, ये ईसवी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व, इसीलिए क्या होता है इसमें, ये सब कहते हैं कि मैम ये उल्टा चल रहा है क्या, है ना। तो हमें ये इस तरह से चला करके हम 0 ईस्वी पर लेकर के आते हैं, ठीक है। 0 ईस्वी भी आएगी इसमें जब हम डिवाइड इसे करते हैं, तो उस स्वरूप में हमारे सामने आते हैं। तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। तो अभी अगली स्लाइड में हम करेंगे इसका विभाजन, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का विभाजन और आपकी अलग अलग भाषाओं के विभाजन की बात करेंगे, ठीक है। फिर आ गया आपका ये वाला 500 ईसा पूर्व से
1000 ईस्वी तक, ठीक है। अब आ गया ना यहाँ पे आपका ईस्वी आ गया, अब ईस्वी आ गया है, ठीक है, ये है ईस्वी। अब ईस्वी आ गया मतलब यहीं पे इसी के विभाजन में हमें 0 ईस्वी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में हम बात करें तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो यहाँ पे हुई कि 1000 ईस्वी से, 1000 ईस्वी से अब तक, आज कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ आपको, उसके बाद में कल का जो आपका सेशन रहेगा नेक्स्ट, उसमें आपको भाषा के ही, ठीक है, आपकी इसी भाषा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो मैं करवाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हम विभाजन कर रहे हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी और 1000 ईस्वी से अब तक। जब इस चार्ट को हम समझ लेते हैं अब हम एक एक पार्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और उसके बाद में लास्ट में आपको बोलियों तक जो है मैं लेकर के जाऊंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, अब इसकी हम बात करते हैं तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को हम दो स्वरूपों में पढ़ते हैं, ठीक है, किसमें, वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ठीक है, दोनों हो गई। अब की भाई 1500 ईसा पूर्व से ये शुरू होती है, 500 ईसा पूर्व तक चलती है, तो इसमें हम इन दोनों को कैसे विभाजित करेंगे। तो वैदिक संस्कृत आपकी आती है 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, ठीक है, और ये वाली अप्रोक्सी आपकी आती है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक। तो अब ये आते हैं, अब इसमें हुआ क्या था, ठीक है, तो अगर आप वैदिक संस्कृत की बात करें तो ये लगभग आपकी आज से 3500-4000 वर्ष पुरानी जो भाषा का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी यहीं से ही हम अगर बात करें तो संस्कृत के स्वरूप में ही आपको हिंदी का पड़ाव जो है वो देखने को मिलेगा। अब की इस भाषा में, इस समय में, इस भाषा में कौन सी रचनाएं जो है वो हुई थी, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो स्वरों की बात कर लीजिए, एक तो मूल स्वर थे इसमें और एक संयुक्त स्वर थे, ठीक है, संयुक्त स्वर, मूल स्वर और संयुक्त स्वर का स्वरूप इसमें हमें देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं कि वैदिक संस्कृत के जो व्यंजन थे वो इसी स्वरूप में आते हैं, तत्सम शब्दावली जो आपकी आती है वो इसी स्वरूप में आती है। रचनाओं की अगर हम वैदिक संस्कृत में बात करें तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें ऋग्वेद का जो वेद आपके लिखे गए हैं, वेदों की भाषा जो है वो आपका, वेदों की भाषा, उपनिषदों की भाषा, उपनिषदों की भाषा के रूप में हम वैदिक संस्कृत को देख सकते हैं। यानी कि जो वैदिक संस्कृत थी ये क्या थी भाई, व्याकरणिक दृष्टि से बहुत ही स्तरीय भाषा थी। जो भी बुद्धिजीवी थे, जो ऋषि मुनि थे, जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है कि भाई पढ़े लिखे जो स्वरूप की भाषा के रूप में ये आती थी। अब जो लौकिक संस्कृत थी उसका स्वरूप आप देखिए लोक से जुड़ा था, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनको भी अपनी भाषा तो, अपना अपने विचार तो आदान प्रदान करने ही थे, तो उन्होंने इससे सरल रूप की भाषा जो है वो अपनाई, ठीक है, तो लोक व्यवहार की भाषा के रूप में ये प्रचलित हो गई। अब लोक व्यवहार की भाषा के रूप में लौकिक संस्कृत प्रचलित हुई तो जो संस्कृत में नाटक वगैरह होते थे तो उसमें इसे अधम पात्रों की भाषा कहा जाता था, ठीक है, यानी कि निम्न पात्रों को जो है ये बोलने के लिए दी जाती थी क्योंकि इसका कोई व्याकरण नहीं था, व्याकरणिक रूप से स्तरीय स्वरूप जो है वो इसका नहीं था। तो अब लेकिन कवि या जो स्वरूप है कि भाई हमेशा कवि लेखक ये चाहता है कि मैं उस भाषा में रचना करूं जाकि ताकि जिस भाषा में जो ज्यादा से ज्यादा पाठक है, वर्ग है, वो उससे जुड़ पाए। तो उस स्वरूप में हमारे सामने आए कौन, आपके
वो थे जो ग्रंथ लिखे गए महाभारत और रामायण, ये वो ग्रंथ थे जो आपके लौकिक संस्कृत के अंतर्गत लिखे गए। ठीक है, अब धीरे धीरे जो है, क्योंकि भाषा जो है वो बहते नीर की तरह होती है, बहते पानी की तरह होती है, सदा परिवर्तनशील होती है। जिस तरह से पानी अगर एक जगह पर एकत्रित हो जाए तो वो क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक है, और उसमें से बदबू आने लगती है। वैसे ही अगर भाषा भी अगर स्थिर हो जाएगी तो वो अपना विकास नहीं कर पाएगी, वो शब्द जो है, शब्द संपन्नता उसमें नहीं आ पाएगी। इसलिए क्या हुआ, भाषा जो है वो निरंतर चलती रही, चलती रही, तो लोगों को और भी सरल भाषा की जरूरत हुई, तो आपके समक्ष आई मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो आप सभी के समक्ष आई, तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि इसके तीन रूप जो है वो हमें देखने को मिलते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के। ठीक है, जिसमें आप सभी देखेंगे इसे हम प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत के नाम से जानते हैं। तृतीय प्राकृत, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत को हम क्या कहकर पुकारते हैं बताइए, प्रथम प्राकृत को क्या कहा जाता है? हाँ बिल्कुल, तो प्रथम प्राकृत को हम पाली भी कहते हैं, द्वितीय प्राकृत को मूल प्राकृत भी कहा जाता है और तृतीय प्राकृत को अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। तृतीय प्राकृत को अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। अब वही इनके समय की बात करेंगे, तो जब हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात की थी तो 500 ईसा पूर्व से हमने 1000 ईस्वी तक की बात की थी, ये की थी ना स्टार्टिंग के फर्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो अब हम इसको, इस समय को हम इन तीनों में विभाजित कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी आ जाएगा जो पाली का समय था। पाली का समय था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी जो है पाली का समय आ जाता है। फिर ईस्वी शुरू हो गई आपकी, अब 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी जो है वो आपके इस स्वरूप में आ जाती है। ठीक है, फिर आप देखेंगे 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, तो ये आपकी आ जाएगी प्राकृत अपभ्रंश का स्वरूप। तो अब पाली प्राकृत अपभ्रंश, पाली में जो साहित्य लिखा गया, जो अभिलेखी प्राकृत जिसे हम कहेंगे, तो ये दो भाषा के रूप में आई कि भाई जो अभिलेख वगैरह लिखे गए, ठीक है, तो जो शिलालेख वगैरह आपको देखने को मिलते हैं तो वो सब जो है वो पाली भाषा में, जो भी अभिलेखी प्राकृत जो है वो मुख्य रूप से शिलालेखों के लिए आई थी। ठीक है, शिलालेखी प्राकृत के रूप में, अभिलेखी प्राकृत के रूप में उसे जाना जाता था। ठीक है, तो ये स्वरूप आया। ठीक है, तो मुख्य रूप से पाली का जो स्वरूप आता है, पालन करना, रक्षा करना, बौद्ध धर्म के जो स्वरूप है, उनके सूत्र है, उनकी बातों की, उनको सुरक्षित रखने के संदर्भ में पाल्यति इति पालय, इस तरह के जो नाम प्रचलन जो है वो, जो पालन करती है, रक्षा करती है, वही पाली जो है वो इसके अंतर्गत स्वरूप आता है। तो बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में लिखा गया, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। अशोक के जो शिलालेख हैं वो आपके प्रथम प्राकृत या पाली में ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरा आता है आपका प्राकृत का स्वरूप। ठीक है, तो प्राकृत के जो स्वरूप की जब आप बात करते हैं, द्वितीय प्राकृत की,
जो संस्कृत में निम्न श्रेणी के पात्रों की भाषा के स्वरूप में आती थी, और यहां से ये जो प्राकृत थी ये अलग अलग रूपों में बंटने लगी, जैसे शौर सैनी प्राकृत, ठीक है, शूरसेन प्रदेश में जो बोली जाती थी, ठीक है, महाराष्ट्री प्राकृत, महाराष्ट्र के जिस भाग में बोली जाती थी, मागधी प्राकृत, ठीक है, ब्राचड़, तो ये पश्चिम के स्वरूप से आप पेशाची प्राकृत देखेंगे। ये सारे जो थे वो क्षेत्र विशेष के आधार पर प्राकृत का विभाजन जो है वो होने लग गया, ठीक है। तो ये प्राकृत के स्वरूप में हमारे सामने आती है। फिर आगे आपकी अपभ्रंश, अपभ्रंश जिसका मूल अर्थ लिया गया गिरा हुआ, यानी कि जो भाषा अपने नियमों और स्तरों से गिर चुकी थी उसको कहा गया अपभ्रंश की प्राकृत, ठीक है। तो अपभ्रंश की प्राकृत की जब हम बात करते हैं तो एक ग्रंथ भी आता है प्राकृत सर्वस्व के नाम से, जिसमें जिसमें 27 अध्यायों में पूरे प्राकृत का वर्णन आपको इसका अपभ्रंश का देखने को मिलेगा, अगर आप इसे डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं तो उसी स्वरूप में आया। तो अपभ्रंश ये जो है उसको कहा गया बिगड़ा हुआ स्वरूप, भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे मुख्य रूप से अपभ्रंश में जैन साहित्य आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जैन साहित्य के स्वरूप में प्राकृत का विकास हुआ। अब ये तो था आपका कि हम तो मैम अपभ्रंश तक ही जानते, तो ये तो स्वरूप था आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, अब जब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात की गई तो हमने अभी लास्ट जो छोड़ा वो था अपभ्रंश, ठीक है। तो अपभ्रंश के जो रूप थे, अपभ्रंश के जो रूप थे उन रूपों से ही आगे की आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का निर्माण होता है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की शुरुआत हुई 1000 ईस्वी के आसपास, यहीं से ही आपका साहित्य की भी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, कि भाई आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में जब अपभ्रंश से अन्य भाषाओं का विकास हुआ, तो आप जैसे शुक्ल जी की बात करें तो 1050 विक्रम संवत उन्होंने माना है, जहां से उन्होंने आदिकाल की शुरुआत मानी है। तो मुख्य रूप से 1000 ईस्वी का स्वरूप जो है आपको आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के स्वरूप में आए, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की बात करते हैं तो इससे विकसित होने वाली बहुत सारी उपभाषाओं का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आई आपकी शौर सैनी अपभ्रंश, शौर सैनी अपभ्रंश, उसके बाद में आप देखेंगे शौर सैनी अपभ्रंश से क्या विकसित हुआ ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। शौर सैनी अपभ्रंश आपने देखा, फिर आप देखेंगे मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्ध मागधी अपभ्रंश, अर्ध मागधी अपभ्रंश, केकय अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ अपभ्रंश। अब यहां से जो विकास हुआ, ठीक है, एक और आ जाती है जैसे आपकी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, जिससे मराठी आ जाती है आपकी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश जिससे आपकी मराठी का विकास होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें शौर सैनी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश, ठीक है, जिससे आप देखेंगे शौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, इनका निर्माण जो है वो होता है।
मागधी अपभ्रंश में आप देखेंगे बिहारी, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहारी वर्ग से जो आपका उपवर्ग की उपभाषाओं का स्वरूप इसमें देखने को मिलता है। तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, ठीक है, ये स्वरूप आपका इससे निर्मित होता है। अर्धमागधी की बात करें तो अर्धमागधी से आपकी पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी जिससे आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी विकसित होती है, वो आपको आगे विकास बताएंगे। ठीक है, केके अपभ्रंश से आपकी लहंदा, ठीक है, लहंदा जो है वो आपकी केके अपभ्रंश से आती है। पंजाबी जो है वो टक अपभ्रंश से आती है, टक अपभ्रंश पंजाबी। ये आ गई महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी आ गई आपकी, ठीक है, ब्राचड अपभ्रंश से सिंधी आ गई, सिंधी जो है ये ब्राचड अपभ्रंश से आ जाती है, केके अपभ्रंश से हो गई आपकी। तो इस तरह से कहने का भाव ये है कि ये वाला स्वरूप यानी कि हिंदी जो है वो हमारे सामने आ गई। अब अगर हम बात करें कि अपभ्रंश के उस रूप से विकास कैसे हुआ, तो जैसे आप देखेंगे वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, खड़ी बोली हिंदी और हिंदी। ये यहां तक पहुंचने का जो पड़ाव है वो इस तरह से पूर्ण होता है। वैदिक संस्कृत यानी कि जो आपने 1500 ईसा पूर्व की बात की, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के यहाँ अब तक का जो समय है आपका वो इसके अंतर्गत इस तरह से पूरा होता है। ये जर्नी जो है वो आपको देखने को मिलती है भाषा के विकास के अंतर्गत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आप सभी का इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें जो स्वरूप भाषा की उपबोलियों के संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा, उस स्वरूप की अगर हम बात करें कि आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनके वर्णन की बात करें, उनके स्वरूप की बात करें कि किस तरीके से जो विभाजन हमें देखने को मिलता है भाषा के स्वरूप में, वो आप सभी को बताती हूँ इसके अंतर्गत। तो जैसे आप देखेंगे पश्चिमी हिंदी, मुख्य मुख्य वाले हम ले लेते हैं इसमें पश्चिमी हिंदी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, वेरी इंपॉर्टेंटली, और पहाड़ी आ जाएगी आपकी और राजस्थानी आ जाएगी। ठीक है, हालांकि राजस्थानी जो है इससे निकल के आती है, लेकिन इसके जो चार उपभाषा होने के कारण ये अलग से अपना स्थान बना लेती है। ठीक है, तो ये स्वरूप आ गया। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सा स्वरूप आ जाएगा आपका, कौरवी, कौरवी जिसको हम खड़ी बोली भी कहते हैं वही है, हरियाणवी जिसे बांगरू भी कहा जाता है, इसको बांगरू भी कहते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप देखेंगे ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, पूर्वी हिंदी की बात करेंगे तो अवधी, व
बघेली छत्तीसगढ़ी, ये आ जाएंगे आपके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। उसके बाद में आप बिहारी हिंदी की बात करेंगे तो मगही मैथिली और भोजपुरी, मगही मैथिली और भोजपुरी, ठीक है, ये स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। राजस्थानी हिंदी में आप बात करेंगे तो मेवाती मालवी, मेवाती मालवी मारवाड़ी और ढूंढाड़ी, ठीक है, ढूंढाड़ी को ही जयपुरी भी कहा जाता है, ठीक है। पहाड़ी हिंदी की बात करेंगे तो कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली, नेपाली आपकी इसी के अंतर्गत जो है वो कनेक्ट हो जाएगी, नागपुरी भी आप इसमें कर सकते, ठीक है। तो ये स्वरूप जो है आपको भाषा के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और पार्ट है, हालांकि बहुत विस्तृत हो जाती है कि कौन सी बोली जो है उसका बोलने का जो क्षेत्र है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्षेत्र विशेष को लेकर के जो हमारे कल के जो क्वेश्चंस रहेंगे कॉमन स्वरूप में, वो इनके इसी से रिलेटेड आपके रहेंगे कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, किस तरह का स्वरूप होता है। इसके अतिरिक्त आपकी जो फर्स्ट यूनिट होती है, फर्स्ट यूनिट में आप देखेंगे जैसे राजभाषा है, राष्ट्रभाषा का स्वरूप है, मातृभाषा है, संपर्क भाषा है, भाषा के जो विविध रूप है, दक्षिणी भाषा वाला स्वरूप है, वहां से भी मोस्टली आपका आता है। संवैधानिक स्थिति जो आपके हिंदी की आती है वो भी इसके अंतर्गत पूछी जाती है, 343 से लेकर के 351 तक के अनुच्छेदों में क्या दिया गया है। तो बहुत विस्तृत है, इन सभी विस्तृत पार्ट को जब आप कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी को हमारे ऐप पे आपको जुड़ना होता है। ऐप पे आपको जो फ्री सेशन है और आपके पेड सेशन है, जिसमें पेड सेशन में आपको सिस्टमैटिक तरीके से पूरी डिटेल के साथ में आपको सारी जानकारी मिलती है, और जो फ्री सेशन है वहां पर भी आपको प्रैक्टिस टेस्ट के साथ में, अभी आपका व्याकरण चल रहा है, व्याकरण की सीरीज चल रही है, तो आप ऐप पे जाइए और ऐप को डाउनलोड करके आप फ्री जो आपके व्याकरण सीरीज है जिसमें मैं संधि समास सब कुछ डिटेल से समझा रही हूँ आपको, उसको आप देख सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। व्याकरण वाली सीरीज आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ऐप पे जाइए और ऐप पे आप उसे देख लीजिए, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और आपके लिए बहुत काम आएगी। तो हमारे साथ इसी तरह के इम्पॉर्टेंट सेशंस में जुड़े रहने के लिए आप टाइमिंग्स नोट कर लीजिए। कल आपका इसी भाषा से जुड़े हुए प्रश्नों का टेस्ट होगा, तो सभी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कीजिए, हिंदी फर्स्ट यूनिट को तैयार कर लीजिए। यहाँ यूट्यूब पे ही होगा आपका जो टेस्ट है। तो मिलते हैं आपसे भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, ठीक है, धन्यवाद।